कंबोडिया से 60 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर भेजा गया। भारतीय एम्बेसी ने एक्स पर दी जानकारी। नौकरी के नाम पर सभी को तस्करी कर लाया गया था कंबोडिया। गाजा के दीर अल बाला पर इजरायली वायुसेना ने बड़ा हमला किया। कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं 4 बच्चे शामिल। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। इजरायली सेना ने एक पुराने गोदाम पर बमबारी की। कई बेघर फिलिस्तीनियों ने गोदाम में शरण ले रखी थी। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 2 दिन का ऑपरेशन पूरा किया। जनन में आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना का राफे और जबालिया में ऑपरेशन जारी। हमास के लड़ाकों से कई जगह हो रही है भिड़ंत। इजरायली सेना के मुताबिक खुफिया जानकारी के अनुसार हमास के ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट। कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी कमांड का दौरा कर कहा, हमारे पास हिजबुल्ला के खिलाफ चौंकाने वाले प्लान, लेकिन मैं दुश्मन को नहीं बताने वाला हूँ। नेतन्याहू ने कहा, हमारी योजना में 2 बातें अहम हैं। पहला, उत्तरी सीमा पर सुरक्षा पक्की करना है, और दूसरा, इस इलाके के लोगों को सुरक्षित घर वापस लाना है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा और इजरायल के समुद्री इलाके का दौरा किया। नौसेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। टेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के कैम्ब्रिज में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने मार्च निकाला। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस में झड़प। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। स्पेन के मेलोर्का में एक रेस्टोरेंट की छत गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। उत्तरी मैक्सिको में तेज हवाओं के चलते चुनावी मंच गिरा। 9 की मौत, 121 घायल। राष्ट्रपति के दावेदार जॉर्ज अल्वारेस के प्रचार के लिए लगाया गया था मंच। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारी टीचर और पुलिस के बीच झड़प। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। जंग के बीच यूक्रेन को और मदद देने की तैयारी में अमेरिका। $275 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का जल्द कर सकता है ऐलान। सियोल में एक मंच पर चीन जुटेगा, साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया भी के नेता आएंगे नजर। समुद्री सुरक्षा और व्यापार समेत कई नीतियों पर तीनों के बीच होगी चर्चा। अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के संबंध, अर्थव्यवस्था और व्यापार को लेकर बातचीत हुई। इटली में ऐतिहासिक कोलिजियम के नीचे से गुजरेगी मेट्रो लाइन। 2034 तक 3 अरब यूरो की लागत से मेट्रो लाइन पूरी करने की योजना।